फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी इस सेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। और मैं मंथ वाइज इसलिए बोला हूँ क्योंकि थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने मंथ वाइज लिख रखा है, वो इसलिए क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि अभी हमारे पास पूरी एक साल है और हम आराम से पढ़ लेंगे, और इसी आराम के चक्कर में हमारे स्कोर जितना हमें करना चाहिए था वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस डिस्कस करूँगा कि किस मंथ में क्या हो जाता है जिस वजह से हम ये चीज़ नहीं कर सकते जो हम सोचते हैं। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखें क्योंकि उससे आपको क्लियरिटी आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले अगर हम एक चीज़ क्लियर कर लें कि हमारे पास अब एक साल बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने स्ट्रेटजी भी बनाई है वो 7 to 8 मंथ में है। तो आपको ये सोचना है कि अब यार मेरे पास टाइम कम है, बाकी कुछ लोगों ने अप्रैल से जून तक में काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया होगा, और फिर भी अगर नहीं भी किया है कोई बात नहीं, अब से स्टार्ट करिए। तो पहले मैंने पार्ट डिवाइड करा है जुलाई से अक्टूबर तक। अब जुलाई से अक्टूबर में आपको क्या करना है वो बिल्कुल ध्यान सुनना, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको एक एक नंबर जो ज़रूरी होता है वो उससे आपको मिलेगा, क्योंकि ये वो पीरियड है जिसमें हम अपने मार्क्स हर चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की तो बात ही नहीं करता क्योंकि हो सकता है उस टाइम बोर्ड एग्जाम हो इस बार, ठीक है। तो आप इसी पीरियड में कर सकते हैं, यानी जुलाई टू अक्टूबर। तो यानी जो जो चीज़ें आपको लगता है कि यार चीज मुझे इम्प्रूव करनी तो इसी में कर लीजिए, आप बात के भरोसे बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप क्यों नहीं कर सकते उस टाइम। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस पीरियड में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट कई बार ध्यान नहीं रखते हैं इसके वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो लो हो जाती है। तो पहले मैं बात करूंगा जो सबसे ज़रूरी है वो अपना बिहेवियर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास में बैठे हो और आप बात कर रहे हो तो टीचर को भी पता है यार ये स्टूडेंट तो ऐसे ही बात ही करता रहता है 24 घंटे, इसको ना तो क्लास में कुछ समझ में आता है और ना ये समझने की कोशिश करता है। तो आपको अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है, क्यों? अगर आप 9th क्लास में है तो आपको 10th में भी आना है, और आपको पता होना चाहिए कि 10th में 20% जो मार्क्स है वो टीचर के हाथ में है, इंटरनल मार्क्स हैं आपके। ऐसे ही 12th स्टूडेंट की बात करें, अगर आप 11th में हो तो आप सोच रहे हो अरे 11th में तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जब आप 12th में आओगे तो टीचर के ही हाथ में आपके नंबर हैं प्रैक्टिकल के। तो आपको अपना इंप्रेशन, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है जिससे कि जो एक एक नंबर है प्रैक्टिकल का या फिर जो इंटरनल मार्क्स हैं वो जरूरी होता है। सोचो जिसके 500 में 499 आते हैं, और सोचो अगर उसका नंबर इंटरनल कट जाए तो कितना दुख होगा। वैसे ही मैंने कई बार ऐसा सुना है स्टूडेंट से, सर मुझे इंटरनल बहुत कम मिल गया इसकी वजह से मेरी परसेंटेज बहुत कम हो गई, नहीं तो मेरे 80% तो आ ही जाते। तो वो इसीलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि इंटरनल नंबर खराब मिल जाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं रोल बिहेवियर का भी होता है। तो आप अपना बिहेवियर अच्छा रखना और पढ़ाई भी अच्छे से करना। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो उसको इम्प्रूव जरूर कर लें। अब हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव करना है तो उसके लिए वीडियोस में अलग से बना दूंगा, लेकिन आप फिर भी आप जिस तरीके से सोचते हैं कि किस तरीके से हैंडराइटिंग इम्प्रूव की जा सकती है जरूर कर लें। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छा कर लें, क्योंकि यही वो पीरियड है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। तो आपका चाहे वो मैथ्स हो चाहे फिर साइंस हो, उस पर फोकस करें। जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है तो उसमें ड्यूरेशन आप बढ़ा दें उस सब्जेक्ट के लिए जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है। फोर्थ पॉइंट है कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक, कोचिंग के आपके असाइनमेंट हो या आपके स्कूल टीचर असाइनमेंट देते हो, जो भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए। अभी ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं बस मुझे वही करने हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी बात ना करें, आप बस क्वेश्चंस करिए चाहे वो पेपर में ज़्यादा आते हों चाहे ना आते हों, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक देंगे और जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर पाओगे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है इसका कि आपको ट्राई करना है कि अक्टूबर के एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आपका किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है, ठीक है 15 नवंबर तक लास्ट डेट रखी है, उस तक तो आपको सिलेबस करना ही करना है, क्योंकि मैं रीजन आपको बताऊंगा क्यों करना है। बाकी आप ट्राई पूरा करें कि अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट हो जाए सिलेबस। बाकी एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि आप वीकली टेस्ट जरूर दें इसमें, क्योंकि जो भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो वीकली टेस्ट अगर आपकी कोचिंग में होता है तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करें। तो स्कूल में जो भी पेपर हो रहे हैं उनको अच्छे से दें, लेकिन आपको टेस्ट जरूर देना जिससे आपको पता लगेगा जो भी आप पढ़ पा रहे हो उस पर बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब बात करते हैं कि नवंबर और दिसंबर में क्या करना है। तो दिसंबर में तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो इम्प्रूवमेंट आपको करना है वो अक्टूबर तक ही कर लेना है, क्योंकि दिसंबर में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड में फुल सिलेबस टेस्ट होता है, तो आपको सीधी सी बात है रिविजन में टाइम चाहिए, यही सब करते रहोगे तो आप जो चीज़ें आपकी वीक हैं उनको आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे जल्दी। अब आते हैं नवंबर में क्या करना है। नवंबर में ये कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट दीजिए अपनी कोचिंग में। अगर आप कोचिंग नहीं भी पढ़ते हैं तो घर में आप एक पेपर उठाइए 3 घंटे का और करने की कोशिश करिए कि वो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए। कम से कम 4 से 5 टेस्ट जरूर दे दीजिए हर सब्जेक्ट का,
और 9th 11th की बात करें तो वो ज़्यादा ज़्यादा एक महीने को पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर 9th 10th की बात करें तो हो सकता है उनका पेपर दिसंबर की जगह जनवरी में होगा, लेकिन स्ट्रेटजी यही रहेगी। बाकी 10th एंड 12th का तो फिक्स है कि वो दिसंबर में ही प्री बोर्ड होने ही है। तो आई थिंक आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि मैं क्यों बोल रहा था कि जुलाई से अक्टूबर तक में ही आपको इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि नवंबर में आपको कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने हैं और दिसंबर में आपके टेस्ट ऑलरेडी होंगे स्कूल में, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला। अब आते हैं कि जनवरी में क्या करना है। देखिए फरवरी में तो शायद से इस बार टेस्ट होंगे, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी होने वाला है, तो शायद से फरवरी में टेस्ट होने चाहिए। अगर नहीं भी होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा फरवरी में टाइम मिल जाएगा। बाकी आप ये समझिए कि आपको जनवरी में क्या करना है। जनवरी में ये करना है कि जब आपके प्री बोर्ड कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है कि जितने ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो कोचिंग हो चाहे स्कूल, क्योंकि स्कूल वाले भी टेस्ट ले लेते हैं उसके बाद भी, नहीं तो आप खुद से टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, यही करिए। मतलब उससे क्या होगा बेनिफिट, इससे ये होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। इसलिए मैंने बोला था कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपको इन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना, आपको सब कुछ पढ़ना है। अब आपकी नॉलेज अच्छी हो गई है तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो अब आप सैम्पल पेपर करेंगे, वहां से आपको पता लगेगा हाँ ये टॉपिक ज़्यादा आता है, तो अब आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये टाइम जो है 1 मंथ से 2 मंथ का, आप मैक्सिमम इसको 1 मंथ ही मानिए क्योंकि इस बार पेपर होने, तो ये जो भी पीरियड है इसमें आप ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आपको ये पता लग रहा होगा ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रहा है, ये 4 मार्क्स का आ रहा है, तो आपके माइंड को क्लियर रहेगा और आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाएगी उस मंथ में। आपको उस मंथ में यही करना है बस। बाकी मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, अभी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का पर्पज इतना है कि आपको एक क्लियरिटी आ जाए कि हाँ यार किस मंथ में क्या क्या होता है और मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सोच रहा हूँ अभी बहुत टाइम है, तो वो क्लियर करना था। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मुझे लगता है यार आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहना चाहिए। बाकी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्लियरिटी आएगी। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दें कि आपको क्या लगता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, वो भी मुझे जरूर बताएं। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी सफल हों। धन्यवाद।